मैं आ पहुंची हूँ बड़ा बाजार के इन भीड़ भाड़ वाले इलाके में। इधर हूँ मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में, और इसी गली से होते हुए मैं आप लोगों को लेके चलूंगी। नहीं चाहिए साड़ी। और इसी गली से होते हुए मैं आप लोगों को लेके चलूंगी एक 100 साल पुराने दुकान में, जो कचौड़ी और पकौड़ों के लिए फेमस है और पूरे बड़ा बाजार पे राज करता है। तो आइए चलते हैं और वहाँ के स्वाद का मजा लेते हैं। जल्दी चलो जल्दी। तो अभी मैं आ पहुंची हूँ अपने मंजिल पे। चुन्नी लाल जी ने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ इस दुकान को सफल बनाया, जिसकी गूंज आप बड़ा बाजार के इन तंग गलियों में सुन सकते हो। इन्होंने हमें राजस्थान के कुछ बेहतरीन जायकों से रूबरू कराया, जिसकी वजह से आज हम इन्हें चुन्नी लाल भुजिया वाले के नाम से जानते हैं। तो आइए चलते हैं और यहाँ बैठे लोगों से बात करते हैं। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या कुछ सोच रहे हैं क्या? आप बताइए, कितने दिन से यहाँ पे काम करते हैं? यहाँ हो गया होगा 38-39 साल। 38-39 साल? और मतलब जब से आप कलकत्ता हैं तब से? हाँ, कलकत्ता जब से लात धरे ना, हाँ, इसी फार्म में रह जी, अलग काम नहीं। मतलब शुरू से लेके यहीं पर रहेगा? आए चुन्नी लाल जी यहाँ पर, और कैसे कैसे मतलब कि इतने बड़े दुकान का सेटअप किया? ये 100 साल पहले के बात है, हम लोग तो देखे नहीं। हम लोग 35-40 वर्ष हो गया। बाकी सुनते हैं कि पहले शुरू आए तब टोकरी में सिंगारा लेके, जलेबी लेके यहीं पर रखे, धीरे धीरे बहुत दुकान किए। मतलब टोकरी में सिंघाड़ा और जलेबी बेचने से चालू किए थे और धीरे धीरे जमते इतने बड़े दुकान हो गई। अच्छा, यहाँ पे कितने दिन से आते हैं अंकल? आते होंगे 45-50 साल से। 45-50 साल से? थोड़ा सा आप इधर तो घूम जाइए। लाल बोल के दुकान प्रसिद्ध था। अच्छा, ये भुजिया वुजिया खाते हुए सबसे? मतलब जब आप एकदम जवान होंगे तब से आप यहाँ पर आते हैं? 15 साल का हूँ। हाँ, तो 15-20 साल का तब तैयार हो जाते। आप कितने दिन से अंकल यहाँ पर खाते हैं? बचपन बीत गया। आपका भी बचपन बीत गया? दोनों अंकल का बचपन यहाँ बीत चुका है, कड़ी कचौड़ी खाते हुए। इतना इन लोगों को पसंद है, आप एकदम अपने बचपन से आते हो? हाँ, अगर हम लोग का जन्म ही है यहाँ तो क्या करें। मतलब मोटा मोटी 40-50 साल से आप खा रहे हो यहाँ पे? नहीं। अच्छा, सही है। अच्छा भैया, मेरे को एक चीज बताइए, ब्रेड पकौड़े का क्या प्राइस है? ब्रेड पकौड़ा का 25 रुपया प्राइस है। मतलब एक प्लेट में कितना पीस? एक प्लेट में सिंगल पीस है 25 रुपए, और एक पीस के हिसाब से, और दो पीस। अच्छा, पीस के हिसाब से है। और ये आलू का पकौड़ा? आलू का पकौड़ा पर 5 पीस आता है एक प्लेट में, 35 रुपए। 35 रुपए। और वो मिर्चा वाला मिर्चा का पकौड़ा 5 पीस 35 रुपए। अच्छा, ये आलू चौप 25 रुपए पीस? आलू चौप 25 रुपए एक पीस। एक पीस। और ये मूंग दाल का? ये मूंग दाल का पकौड़ा 35 रुपए प्लेट है। अच्छा, उसमें मिक्स भी ले सकते हैं? सब मिक्स करके? सब मिक्स करके 35 रुपया हुआ है। खाली पकौड़ी जो कि जिसका खाना है, देखिए 35 रुपए का प्लेट है। अच्छा, खाली सिर्फ पकौड़ी होगी। अच्छा, अब मिक्स में देखिए, दो आलू दे दिए, दो मिर्चा दे दिए, हाँ, पकौड़ी डाल दिए। अच्छा, ये मेरा चाट पकौड़ी रेडी हो गया। चाट पकौड़ी होगी। अच्छा, 35 रुपए। सही है। हाँ ठीक है। और मैं लास्ट टाइम जब आई थी तो फिर आप कुछ वो मसाले का भी, चटनी का भी कुछ बोल रहे थे। चटनी के लिए बोल रहे थे, ये चटनी है, बहुत मेहनत से बनते है, 101 आइटम डाला हुआ है इसमें जी, वो हरे वाले में, हरा वाला में। अच्छा, 101 आइटम जो आप लोगों का सीक्रेट है? हाँ, जो सीक्रेट है, फेमस मेरा चटनी का है। अच्छा, एक बार उसको चला के दिखा देते। और इसका तो आप मेरे को इंग्रेडिएंट नहीं बताने वाले हैं, ये आप मेरे को इसके अंदर क्या क्या है वो तो आप, वो हम नहीं बता सकते, वो तो कारखाना से बन के आता है, हम क्यों दुकानदार हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बताना भी नहीं चाहिए जिस चीज के लिए फेमस हो आप लोग। तो भैया, एक मेरा भी ये मूंग दाल के पकौड़े वाला एक लगा दो। मिक्स वाला लूं या मिक्स वाला लेती हूँ ना, उसमें आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप मिक्स वाला बना दो, 1, 2, 3। ये आलू वाला है? आलू वाला है। और ये मिर्च वाला है? ये वाला मूंग दाल की पकौड़ी है। हाँ ठीक है। और अब वो वाला आप अपना स्पेशल चटनी डालोगे?
ये मसाला दे दिए। हाँ मसाला दे दिए। अब ये स्पेशल चटनी डाल रहे हैं, इसमें एक से एक आइटम दिया हुआ है। अच्छा ठीक है। और ये वाला चटनी इसके साथ में? मीठा चटनी है? नहीं नहीं, अभी कितना नहीं नहीं खाते बोलने पर देते हैं। हाँ। तो आप बोलिएगा तभी मीठा चटनी देंगे, नहीं तो नहीं बोलिएगा। अच्छा, तो मीठा चटनी नहीं देंगे। अच्छा मतलब कि ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कस्टमर चाहेंगे तो ही मीठा चटनी देंगे, नहीं तो फिर ये जो इनका स्पेशल चटनी है इसी के साथ ही है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी खुद नहीं खाती हूँ। तो अभी देखिए ये है मेरा मिक्स पकौड़े का प्लेट, जिसमें ये मिर्च का पकौड़ा है, ये मूंग दाल का पकौड़ा है, और ये मेरा आलू का पकौड़ा है। तो सबसे पहला मिर्च वाला। उसके बाद ये मूंग दाल वाला। तीनों ही पकौड़ा जो है ना बहुत ज्यादा ही टेस्टी है, और ये जो चटनी का जो इनका फ्लेवर है वो सच में बाकी चटनी से काफी ज्यादा अलग है। मतलब हाँ हम लोग बोल सकते हैं कि बड़ा बाजार में ऐसा चटनी और किसी दुकान में, पकौड़े की दुकान में नहीं मिलेगा। तो हाँ ऑफ कोर्स ये मतलब टेस्टी है और काफी ज्यादा कुरमुरा है। आप लोग भी आओ, एड्रेस पूछ लेते हैं ना भैया, अगर किसी को आना हो तो कैसे आएगा? आना होगा, ये मेरा चुनीलाल भुजिया वाला, बोलिएगा कोडन स्ट्रीट 145 नंबर, अपनी वो A2 पर आ जाएंगे। अच्छा 145 नंबर? 145 नंबर बड़ा बाजार। हाँ बड़ा बाजार कोडन स्ट्रीट। हाँ तो 145 नंबर बालाजी कोडन स्ट्रीट, अगर किसी को भी आना हो तो यहाँ आओ और ये गर्मा गर्म पकौड़े का लुत्फ उठाओ, और इनका जो स्पेशल वाला चटनी है वो तो आप पक्का से ट्राई करना, बहुत ज्यादा ही टेस्टी है। आप भी आ जाना तो ठंडा हो जाएगा। पीछे पीछे। तो अभी हम लोगों के लिए पकौड़े के बाद गरम गरम कचौड़ी भी तला गया है और हम लोगों को दिया गया है कि आप ये भी चखो और ये भी खाओ, ये भी बहुत टेस्टी होता है हमारे दुकान का। तो मैं अभी ये भी खाऊंगी। यहाँ आते हैं ना? हाँ बिल्कुल, इसको खाने के बाद। हाँ मैं ना थोड़ा बैठ सकते हैं ना? नहीं 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 होगा। तो अभी हम लोगों के पास आ चुका है ये गर्मा गर्म कचौड़ी और ये आलू के छिलके वाला सब्जी। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी खा के कि ये कैसा है। आलू के छिलके का सब्जी इसलिए बनाते हैं ना ताकि एक अलग फ्लेवर आए। ये 1 बजे के बाद आता है आलू का छिलका वाला सब्जी, सुबह पर रहता है मॉर्निंग। अच्छा ये नॉर्मल वाला? अच्छा ये नॉर्मल वाला है, ये आलू के छिलके वाला नहीं है, बट ये भी काफी ज्यादा मेरे को टेस्टी लग रहा है देख के। तो मैं खा के बताती हूँ कैसा है। आप एक बार थोड़ा होल्ड करके ना आ जाओ, पहले गर्मा गर्म खा लो, इतना टेस्टी है, उसके बाद फिर बाकी का सिटिंग करते रहना। सच में ये बहुत टेस्टी है, काफी ज्यादा कुरमुरा है और आलू की सब्जी भी काफी ज्यादा तीखी है। और मेरे साथ ना थोड़ा यहाँ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई। मैं आई थी पकौड़ा खाने और मेरे को ये भी गर्मा गर्म मिल गया, मुझे नहीं पता था कि ये मतलब मुझे इतना टेस्टी यहाँ पर आने के बाद कचौड़ी और सब्जी भी खाने को मिलेगा, बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये दिखाओ, एक बाइट आपके लिए भी। कैसा है? टेस्टी है ना? बिल्कुल, मतलब फूड ब्लॉगर का फायदा तो है कि आप आओ एक करने और आपको इतनी सारी चीजें खाने को मिल जाती है। सही है। मैं नॉर्मली ऑफिस से निकली थी कि हाँ मेरे पास जाना है, मैं एकदम
हड़बड़ी में आई कि नहीं, एकदम दौड़ दौड़ के चलते हैं ताकि गर्मा गर्म पकौड़े मिले। यहाँ मुझे गर्मा गर्म पकौड़े के साथ गर्मा गर्म गुलाब जामुन, कचौड़ी और सब्जी सब मिल गया। तो अभी हम लोगों के पास आ चुका है चाशनी में डूबे हुए। हाँ मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ बोलने का, शेरो शायरी। चाशनी में डूबे हुए एकदम देसी घी में, शुद्ध देसी घी में बने हुए गुलाब जामुन। और ये आप देखो भैया, इसके इसके अंदर, हाँ हाँ, इसके अंदर भी कुछ भरे है ना। इसके अंदर मक्खन दाना है और केसर है। अच्छा, इसके अंदर भी मक्खन दाना है और केसर है जी, और पिस्ता भी है। हाँ, तीन आइटम इसमें दिया हुआ है, केसर, पिस्ता, मक्खन दाना। मक्खन दाना जी। आ जाइए भैया, इधर आ जाइए। तो इसके अंदर मक्खन दाना, केसर और पिस्ता, तीन चीज इसके अंदर स्टफ किया हुआ है। हाँ, तभी मैं खा के बताती हूँ कैसा बना है। अब मैं नहीं बोलूंगी, अब मुझे नहीं बोलना कि मैं डाइट छोड़ सकती हूँ। मैं छोड़ दूंगी, अब इस बार तो पक्का छोड़ दूंगी। बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। सच में, मतलब पता नहीं, आप अगर खाओगे तो आपके मुंह में ही घुल जाएगा ये, इतना ज्यादा मुलायम और इतना ज्यादा टेस्टी है। तो ये रहा हमारे चुन्नीलाल दुकान का सफर, यहाँ पे खत्म होता है, जो काफी ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल था। भैया थैंक यू, टाटा। बैग, हाँ हाँ बैग ले लो। आपको भी थैंक यू, आप बहुत सारी चीजें बताएं। थैंक यू।